सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जानकी राफेत व्लॉग में। तो गाइस चलिए करते हैं आज दिन से एक न्यू व्लॉग स्टार्ट। और दिन का जो व्लॉग है मेरा वो स्टार्ट हो रहा है 1 बजे से। मैं जा रही हूँ अभी अपने बेटे को लेने के लिए, क्योंकि आज से लगी है मेरी ड्यूटी बेटे को लाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड की लगी है डे की ड्यूटी। तो इसलिए अब मेरी ड्यूटी बन गई है बच्चे को लाने की। तो अभी मैं जा रही हूँ वहीं, तो सोचा कि क्यों ना दिन से स्टार्ट किया जाए व्लॉग। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ और इससे बंद कर देती हूँ दरवाज़ा। पहले एक बार किचन चेक करके आ जाती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत भुलक्कड़ भी हूँ, तो मुझसे कभी ऐसा होता है कुछ रखा होगा गैस में तो भूल जाती है। इसलिए मैं हमेशा जाने से पहले किचन ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि किचन में ज़्यादा खतरा रहता है ना गैस वैस। और फ्रेंड मैं जा रही थी बेटे को लेने के लिए, लेकिन मेरी किस्मत देखिए कितनी अच्छी है, मेरे हस्बैंड पहुँच गए। अब मेरा जाना कैंसिल, आप ही ले आओगे उसको। मैंने तो खाना भी नहीं बनाया, मैंने सोचा आप नहीं आ रहे हो, आपने कहा ही नहीं था। आपने कहा मैं हो गई थी क्लास खत्म, आपने कहा कि मैं 4 बजे आऊँगा। बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला था आज जाने का, बट ये मुझे बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकते हैं, है ना, पहुँच जाते हैं। क्या करूँ फिर मैं जाऊँ, अभी तो टाइम है। लेकिन फ्रेंड मेरे क्यों टाइम हो तो क्या, 1 बज गया है, जाने जाने तक 10-15 मिनट लग जाएंगे मुझे। तो इतनी फास्ट ढूंढना चाहूँगी मैं 5, तो तुम स्कूटी में जाते हो। तो गाइज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ले आऊँगा, बट मैंने कहा चलो अब मैं रेडी हूँ तो मैं ही ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा गिफ्ट सेंटर में काम भी है। टॉफी कहाँ से आई बेटा आपके पास? बक्शु आपके पास टॉफी कहाँ से आई? मैंने क्यों, आज क्यों दी? क्योंकि मैंने आज मैम का कहना माना। आपने मैम का कहना माना? क्या कहना माना? अरे जिसको ना फ्रूट्स नहीं याद होंगे उसको टॉफी मिलेगी। अच्छा जिसको फ्रूट्स नेम याद नहीं होंगे उसको टॉफी नहीं मिलेगी, तो आपने फ्रूट्स के नेम सुना है पूरे? अच्छा पूरे सुना है विद स्पेलिंग, स्पेलिंग सही? अच्छा फिर सबने क्लैपिंग करी होगी ना आदर्श के लिए? नहीं करी? बोलता ही नहीं है वो, दक्षु तो कितना एक्टिव है। हेलो हेलो दक्षु। और फ्रेंड यहाँ पर मिल गई मुझे मीना, मैं सबसे पहले आई थी पर जा इसी के साथ रही हूँ। भाग्या मेरा बेटा, गाड़ी आ रही है तो डर लगती है ना थोड़ा। दक्षु किनारे चलो, इसके और मेरे बेटे का नाम सेम है दक्षु। दक्षु दक्षु के बाल बड़े अच्छे हैं ना दक्षु। और फ्रेंड मैं पहुंच चुकी थी घर, और आती मैंने सबसे पहले चढ़ाया खाना। आज खाना बनाने में बहुत ज़्यादा हो गया है लेट, 3 बजने वाला है। तो दाल तो मेरी बन चुकी है, और इस साइड रखा है मैंने चावल, पानी इतना ज़्यादा पड़ गया था कि दाल में उबाल आ गया। चावल कब सीटी आएगी, कब पकेगा, कब खाएंगे, कब बनेगा, कब खाएंगे कह रही हूँ। हे गाइस अभी हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, तो काजल के दीदी के बेटे का बर्थडे है, तो सेलिब्रेशन जो है इंदिरा अम्मा भोजनालय में होने वाला है, तो हम लोग वहीं के लिए जा रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अभी मीना के घर में, क्योंकि मीना और हम सब साथ में जाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहना, और हमने किस तरीके से बर्थडे को इंजॉय किया वो ज़रूर देखना, और हमारे साथ आप लोग भी इंजॉय करना। क्या करें फिर, कोई सूट ही नहीं आ रहे, ये भी ढीला हो रहा है बताए। मम्मी काले काले लगा के मस्त, काले काले। दक्षु हीरो बना है ना, आपने हैंडशेक नहीं करा दक्षु से? दक्षु हैंडशेक करो। और फ्रेंड मीना जो है हाथ में चूड़ी डालना भूल गई है, तो यहाँ पर से ले रही है चूड़ी, जल्दबाजी का नतीजा। बाबरे मुझे इतना पसीना हो गया है। ये वाले कैसे दी है?
अब वो कलर बॉक्स का सेट। और फ्रेंड यहाँ से ले रहे हैं हम बच्चे के लिए गिफ्ट, क्या करें आज मार्केट भी बंद है, कहीं कुछ ढंग का तो दिख नहीं रहा है, बट फिर भी हमें मिल ही गया है बच्चे के लायक। मीना और मैंने अलग अलग लिया है और मुझे इतना गर्म हो रहा है क्या बताऊँ, तो भैया से कह रही हूँ प्लीज मेरे लिए फैन चला दो। मैं ही चला दूँ क्या? मुझे तो कुछ ज्यादा ही होता है यार। और फ्रेंड हम लोगों को यहाँ पर जिम वाले बाकी के लोग भी मिल गए, पक्का गिफ्ट लेने आए होगे ना? मिल ही नहीं रहा है बताए, मार्केट बंद है। और फ्रेंड अभी हम पहुंच चुके हैं गांधी चौक मार्केट में, यहां से हम लोग जा रहे हैं पैदल। हमारे पास स्कूटी वगैरह तो है नहीं, हमारे पास चलानी आती है यार बट ये है कि यहां चलाने का मन नहीं करता है क्योंकि आराम से पैदल जाया जा सकता है तो गाड़ी की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं इंदिरा अम्मा भोजनालय में और यही है बर्थडे पार्टी, ये देख सकते हैं आप बाहर से बलून लगा रखा है। अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, नाश्ते में हम कोल्ड ड्रिंक और पकौड़ी, मीना खा चुकी है, ज्योति भी आ गई है, ज्योति का ही तो आ रहा था। हैप्पी बर्थडे। फ्रेंड अब केक कटिंग होने लगी है, कितना पसीना हो रहा है मुझे। काजल मैंने जुम्बा यही किया।
बहुत ज्यादा थक गए हैं तो अब थोड़ा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन देखिए हमसे पहले ये लोग बैठ गए। ये देखिए ये भी बैठ गए हैं। अब कह रहे आओ जानकी खाना खाओ खाने खाओ। और किनारे ये ठंडे ठंडे वातावरण में शुद्ध वायु में खाना खा रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं क्योंकि अनियर है। ये देख सकते हैं बात कितना वही तो। और फ्रेंड मैंने खाने में तो सिर्फ रायता खाया क्योंकि मुझे रायता बहुत पसंद है। पसंद तो क्या है लेकिन गर्म हो रहा था इसलिए रायता ही मुझे अच्छा लगा। और फ्रेंड काजल ने देखिए मेरे लिए पैक कर रखा है खाना। अब मुझे घर जाकर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जाने लगे हैं घर को और देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा हो गया है। टाइम जो है 8:15 हो गया है बट हम लोगों ने खूब ढेर सारा एंजॉय किया। और आप मेरी चेहरा देख करके बता सकते हैं कि मैंने कितना ढेर सारा एंजॉय किया है। देखिए पूरा पसीने से लथपथ और सिंदूर भी मेरा कैसे बह चुका है। तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था आने का क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है क्योंकि गेस्ट तो अभी आ रहे हैं ना। तो डांस तो हमने खैर खूब किया और अभी भी बहुत देर तक डांस होने वाला है। तो हम जा रहे हैं घर को। तो चले गाइस ये वाला कर देते हैं व्लॉग यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं मैं कल के दिन एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूले। और प्लीज यार जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज कर देना जानकी रावत के चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय टाटा सी यू।